अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेफ इन द किचन में मैं शगुफ्ता आज आपसे शेयर करने वाली हूँ मिनटों में बिल्कुल हलवाई जैसी कुरकुरे जलेबी की रेसिपी। तो वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक ज़रूर देखें। तो चले फिर शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक कप मैदा लिया है। इस एक कप मैदे से ही बहुत सारी जलेबी बन जाएगी। तो पहले मैं इसे डाल देती हूँ बाउल में। अब मैं डालूँगी इसमें देसी घी एक चम्मच, मैंने इस छोटे चम्मच से एक चम्मच इनो लिया है क्योंकि मेरे पास ये बॉटल है। अगर आपके पास पाउच वाली है तो आप एक पाउच इसमें पूरे डाल दें। ये मैंने इसमें डाल दिया। अब इन सब को अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स हो चुकी है। आप देखिए, मैं सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से ही आपको आज जलेबी बनाकर दिखाऊंगी। अब मैं इसमें थोड़े थोड़े पानी डालकर इसकी बैटर बनाऊंगी। हमें पानी को अचानक से नहीं डालना है, थोड़े थोड़े डालकर इसे मिक्स करें, नहीं तो इसमें लम्स रह जाएंगे और अच्छे से जलेबी हमारी फूलेगी नहीं। इसे 5 मिनट तक इसी तरीके से फेंटते रहे ताकि इसके अंदर एयर बबल्स आ जाए और इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रहना चाहिए। ये देखिए हमारा बैटर कितना परफेक्ट हो गया है। ये बिल्कुल परफेक्ट है जलेबी के लिए। अब मैं इसे ढककर 5 मिनट के लिए रख देती हूँ। अब नेक्स्ट मैं कढ़ाई में ऑयल डालकर गर्म करने के लिए रख देती हूँ। जलेबी को फ्राई करते टाइम एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जलेबी को कभी भी गहरे कढ़ाई पे फ्राई ना करें। हमेशा फैले हुए फ्राई पैन या फिर इस तरीके के फैले हुए कढ़ाई पे फ्राई करें तो हमारी जलेबी काफ़ी अच्छे से फ्राई होती है। ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। अब मैं चाशनी बना लेती हूँ। इसके लिए मैंने 1 कप शुगर लिया है, उसी के बराबर मैं 1 कप पानी डाल रही हूँ। अब मैंने इसमें डालना है थोड़े से फूड कलर। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करके हमें चाशनी को 2 से 4 मिनट के लिए पकाना है। चाशनी से ही हमारी जलेबी की कलर काफी अच्छी आती है। ये देखिए चाशनी की कलर कितनी अच्छी है। शुगर हमारा इसमें अच्छी तरीके से मेल्ट हो रहा है। चाशनी बनाते वक्त हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि चाशनी हमेशा गहरे बर्तन पे हो और चाशनी की क्वांटिटी ज़्यादा हो ताकि जलेबी हमारी अच्छे से डिप हो सके। चाशनी में उबाल आ गया है। अब मैं इसमें डालूंगी 1/2 लेमन जूस। लेमन जूस डालने से चाशनी जमती नहीं है। ये मैंने डाल दिया 1/2 लेमन का जूस। इसे एक बार चला लेते हैं। चाशनी हमारा बन गया है। मैं गैस के फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ। जलेबी बनाने के लिए फ्रेंड्स को जरूरी नहीं हो कि हमारे पास पाइपिंग बैग हो या स्पेशल जलेबी के जो कपड़े आते हैं बनाने के लिए वो हो तो ही हम जलेबी बनाएंगे। मेरे पास ये दूध के पैकेट है, मैं इसी से जलेबी बनाऊंगी। ये हर कोई के पास अवेलेबल होता है, दूध के या दही के पैकेट सबके घर पे होते हैं तो आप इसी से बनाएं। तो इसके लिए पहले मैंने ये ग्लास ले लिया है। इसमें मैं इस पैकेट को इस तरीके से डाल देती हूँ। अब मैं इसके ऊपर इसके अंदर सारे बैटर डाल देती हूँ। ये बैटर मैंने डाल दिया है। अब मैं इस पर रबर लगा देती हूँ इस तरीके से। मैंने इसमें बैटर डाल के इसको पैक कर लिया। अब मैं इसे काट लेती हूँ। इसे आप अपने हिसाब से अगर मोटी जलेबी बनाना चाहते हैं तो मोटी काटे, अगर पतली जलेबी बनाना चाहते तो पतली काट ले। मैं थोड़ी पतली ही काट रही हूँ क्योंकि मुझे पतली जलेबी ज़्यादा पसंद है। ये मैंने कट कर लिया। जलेबी डालने से पहले आप देख ली कि आपकी ऑयल अच्छी तरीके से गर्म होनी चाहिए तभी आप जलेबी को डालें।
मैं जलेबी इसमें फ्राई कर लेती हूँ। फ्रेंड्स ये देखें कितनी अच्छी जलेबी बन रही है। फ्रेंड्स अगर जलेबी थोड़ी टेढ़ी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जलेबी तो टेढ़ी ही होती है, बस टेस्ट में अच्छी होनी चाहिए। ये देखें कितना परफेक्ट बन रहा है। फ्रेंड्स ये देखिए गर्मा गर्म जलेबी हमारी रेडी है। जलेबी बहुत अच्छी बनी है, ये काफ़ी जूसी और क्रिस्पी भी है। ये इसे मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखें ये बहुत परफेक्ट बना है। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।